नहीं है तो जिन लोगों ने अवैध कमाई की है, काला धन छिपा करके रखा है, वो बचने वाले नहीं है। और इस पर नरेंद्र मोदी का कठोर दृष्टिकोण है, कोई ढीला वगला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग जा रहे हैं वो ठीक ही जा रहे हैं। अब पी चिदम्बरम के पास विदेशों के अंदर इतनी सारी संपत्ति है, ये तो पहली बार लोगों को मालूम हो रहा है। नहीं, लोग समझते थे सामान्य गृह मंत्री रहे हैं, देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो सामान्य कुछ होगा, लेकिन असामान्य संपत्ति है उनके पास, जिसको छिपा करके सब रखा है। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, तो वो एको बचने वाले नहीं हैं, सब जेल जाने वाले हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वाभाविक है, जायज है। और मैं ये मानता हूँ कि देश के अंदर एक संविधान, एक देश, एक कानून, ये लागू होना चाहिए। और दुर्भाग्य से अभी तक ये हो नहीं पाया, लेकिन सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके रहते ही सब हो जाएगा। समय लगेगा, लेकिन सब होगा। अब कोर्ट कह रहा है तो स्वाभाविक है कि उस पर और ध्यान दिया जाएगा, गंभीरता से इस काम को किया जाएगा। नहीं, पाकिस्तान का अगर व्यवहार ठीक नहीं रहा और पाकिस्तान ने अपने में सुधार नहीं किया, तो अब तो पीओके पर ही बात होगी ना, अब तो सीधी बात होगी। देश स्वतंत्र होने के साथ ही पीओके को भारत का अभिन्न अंग रहना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से ये नहीं हो पाया। तुष्टीकरण की नीति चलाई कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको उधर कर दिया और बाकी से इधर हिस्सा ले लिया। तो ये जो काम हुआ है ये ठीक नहीं है। ये पीओके जो है ये भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो कश्मीर का टुकड़ा है। उधर जो है वो वहाँ के लोग सब भारत के साथ रहना चाहते हैं। और अभी तो अब विकास जो काम शुरू होगा, तो पीओके के लोग देख करके उनके मन के अंदर जलन होगी इस बात की कि हम यहाँ पाकिस्तान में क्यों पड़े हैं, हमको हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ तो कोई विकास हो नहीं रहा। लोगों को ना मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो पा रही हैं, तो सब भारत के साथ रहना चाहेंगे। और ये बात ठीक है कि अब अगला जो पड़ाव हमारा होगा वो पीओके होगा, लेकिन बातचीत से तो होगा नहीं, और पाकिस्तान तो युद्ध की बात करते हैं। वो कई बार युद्ध कर चुका है, एक बार इमरान भी देखने, ये कोई क्रिकेट की बाल नहीं है जो हवा उछाली जाएगी, हवा चली जाएगी। उनको समझना चाहिए ये युद्ध है, इसमें बहुत सारे नुकसान नफा होते हैं। और अब तो होगा, पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा।